हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यम कुमार। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं गांव आया हुआ हूं अपने मम्मी पापा के पास। तो यहां आने से मुझे एक बेनिफिट हो रहा है कि अभी मेरे बालों में चंपी होने वाला है। चंपी इन द सेंस बालों में ऑयलिंग होगा। जैसा कि आपको पता है कि मैं बाल बढ़ाने के प्रोसेस में हूँ और बालों के लिए चंपी बहुत जरूरी है दोस्तों। तो अभी मैं अपने मम्मी के हाथों से चंपी करवाने वाला हूँ, तो बहुत ही खुशी हो रहा मुझे। आप लोगों को तो पता ही है कि चंपी कराना कितना मजेदार काम होता है। तो मैं जा रहा हूँ अपनी मम्मी के पास चंपी कराने। वो भी ऑयल लेके आ रही है मेरे बालों में चंपी करने के लिए। तो अगर आप अपने बालों को लंबे करना चाहते हैं तो अपने बालों को जरूर चंपी कराएं, तो क्योंकि चंपी ही एक बहुत ही बेस्ट और अच्छा तरीका है जिससे आपके बाल स्ट्रोंग हो सकते हैं। और काले घने बालों के लिए चंपी कराना बहुत जरूरी होता है। तो मैं चंपी कराने जा रहा हूँ। इट मीन्स बालों में ऑयलिंग कराना है, तेल लगाना, तेल मसाज बालों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप लोग भी कराएं। मैं तो चला अपनी मम्मी के पास। नाउ चंपी तो शुरू हो गया है दोस्तों, पर ये जो मेरे फेस पे आप देख रहे हैं कि कुछ लगा हुआ है, ये मम्मी का प्लान था। मेरा तो ऐसा कोई प्लान नहीं था, मैं ऐसा कुछ लगाना नहीं चाहता था। मतलब मैं तो मना ही कर रहा था कि मुझे ये सब चीज़ नहीं लगाना फेस पे, क्योंकि मुझे थोड़ा तो ठीक नहीं लगता। पर ठीक है, पर अब मम्मी इतना प्यार से मेरे लिए लेके आई थी कुछ बना के, हल्दी चंदन वंदन क्या क्या मिलाई थी, आई डोंट नो। पर जो भी है सही था दोस्तों, इसको लगाने के बाद बहुत ही आई थिंक अच्छा फील होगा। आपको दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है। और ये जो चंपी हो रहा है दोस्तों, रियली बहुत ही रिलैक्सेशन चीज़ है, बहुत ही मज़ा आता है चंपी कराने में। जो सुकून मिलता है ना, बहुत ही मज़ा आ रहा है। नाव जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि गांव में बहुत ही ठंड रहता है, तो मुझे बहुत ठंड लग रहा था क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ही ठंड लगता है। तो मम्मी ने वॉशरूम जाने से मैंने मना कर दिया कि बहुत ठंड लग रहा है। तो मम्मी अपना एक टॉवल लेके आई और मुझे उस टॉवल को भिगो के ही लाई और पूरा साफ़ कर दी, फेस बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ कर दी। मम्मी का ये प्यार देख के एकदम दिल गार्डन गार्डन हो गया दोस्तों। नाउ कंप्लीटेड दोस्तों। तो दोस्तों, चंपी भी कंप्लीट हो गया है, फेस पैक भी कंप्लीट हो गया। मैं बहुत आज एकदम मज़ा आ गया, इतना रिलैक्सेशन लगा चंपी में कि क्या कहूँ। और उसके बाद फेस पैक के बाद भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है फेस। तो अगर आप भी बाल लंबा करना चाहते हैं, अपने बालों को लेके सीरियस है, तो वीक में कम से कम एक बार तो चंपी जरूर कराए। ऐसे वीक में दो दिन आप चंपी करा सकते हैं। और फेस पे कुछ ना कुछ वीकली एक बार तो कर ही सकते हैं। अगर मन नहीं भी करता है, ठंडा के दिन है या कुछ भी है, तो वीक में एक बार कुछ ना कुछ फेस पे लगा सकते हैं आप। हल्दी चंदन जो भी आप लोग को रेमेडी मालूम हो, या फिर आप यूट्यूब में देख सकते हैं, फिर गूगल के थ्रू पता लगा सकते। बहुत ऐसा आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा रेमेडी जो आप यूज कर सकते हैं। और फेस पे नाइट के लिए मैं आपको एक सजेस्ट भी कर सकता हूँ। मेरे पास एक अति है एलोवेरा जेल है, जो बहुत ही वाव का ये जेल है। वाव एलोवेरा जेल विटामिन सी के साथ, जो बहुत ही अच्छा जेल है दोस्तों। ये एक्चुअली में स्लीपिंग नाइट जेल है। ये बहुत ही अच्छा जेल है जिसको आप यूज कर सकते हैं, जो बहुत ही लाइट टेक्सचर के साथ है, जो आपको एकदम बहुत लाइट लगेगा, ज़्यादा वेटेज नहीं लगेगा, एकदम बहुत अच्छा है। तो मैं उसी को भी लगाया हूँ, तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं है, बहुत गुड गुड रेटिंग है, आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, और कुछ आपको कहना है या कुछ बताना है या कुछ पूछना है तो कमेंट करके जरूर हमसे पूछ सकते हैं या बोल सकते हैं, जरूर कमेंट करें। और जाते जाते इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे व्यू तो आ रहे हैं मेरे चैनल पर सबको सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो सब लोग सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।